क्वेश्चन नंबर ए, चूज द बेस्ट आंसर. नंबर वन, दीज फ्लावर्स लुक सो लवली. डैश ए, डू दे. बी, आरंट दे. सी, डोंट दे. या डी, डिडंट दे. करेक्ट आंसर इज डोंट दे. ये फ्लावर्स बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं, प्यारे हैं, क्या ये नहीं है? हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम. आज मैं आपके लिए इंग्लिश ओलंपियाड में क्लास थर्ड के लिए टॉपिक से स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन पंचुएशन, इस टॉपिक से रिलेटेड इंग्लिश ओलंपियाड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो इसमें हम देखेंगे कि स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन क्या होता है, पंचुएशन क्या होता है, इससे रिलेटेड इस क्लास में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इसको करने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि पंचुएशन क्या होते हैं. तो चलिए देख लेते हैं, व्हाट इज पंचुएशन. इन सिंपल टर्म, पंचुएशन मार्क आर अ सिंबल टू क्रिएट एंड सपोर्ट मीनिंग विद अ सेंटेंस और टू ब्रेक इट अप. एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट पंचुएशन मार्क्स इंक्लूड. पंचुएशन एक सिंपल टर्म में हम कह सकते हैं, पंचुएशन एक सिंबल होता है जो किसी भी सेंटेंस के मीनिंग में उसको किस प्रकार सपोर्ट करना है, कहाँ क्रिएट करना है, कहाँ ब्रेक करना है, ये पंचुएशन कहलाता है. पंचुएशन के डिफरेंट सिंबल होते हैं, जैसे फुल स्टॉप. सेंटेंस को कंप्लीट करने पर हम फुल स्टॉप लगाते हैं, कॉमा. क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाने हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स कहाँ लगाने हैं, कॉलन कहाँ लगाने हैं, सेमी कॉलन, एस्पोट्रॉप्स एंड स्पीच मार्क्स. ये सारे पंचुएशन जो है आपके स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन में यूज होते हैं. इसी को से रिलेटेड, पंचुएशन से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस प्रकार के हो सकते हैं, चलिए इसकी प्रैक्टिस देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पहला है इसमें, चूज द करेक्ट बेस्ट आंसर. इसमें से कौन सा बेस्ट आंसर होगा. नेक्स्ट नंबर टू, हेयर हैव अ चॉकलेट. लो चॉकलेट लो. ए, थैंक यू. बी, फाइन थैंक यू. सी, योर वेलकम. एंड डी, सॉरी. अगर आपको कोई चॉकलेट देता है, क्या होता है, कोई भी आएगा, जैसे कोई आपको चॉकलेट देगा तो क्या बोलेगा, लो ये चॉकलेट लो. तो उसके जवाब में हम क्या बोलते हैं, क्या आंसर होना चाहिए. थैंक यू, फाइन थैंक यू, योर वेलकम, क्या हो सकता है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर कोई भी चीज हमें दिया जाता है तो जस्ट हम क्या बोलते हैं, थैंक यू. तो हमारा ये आंसर हो जाएगा थैंक यू, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, प्लीज डोंट हैंग अप. इसका मतलब हुआ कृपया फोन न रखें. तो फिर क्या जवाब हो सकता है. ए, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू हर. B, talk later. C, sorry, I'm having another important call. Or D, none of these. तो correct answer हो जाएगा, sorry, I am having another important call. Sorry, क्षमा करें, मुझे एक और महत्वपूर्ण call आ रही है. Next हो जाता है for, oops, I have spilled drink on your tray. उफ, मैंने तुम्हारी पोशाक पर ये drinks गिरा दिए हैं. तो आप स्पोकन में इसको क्या जवाब देंगे. ए, डोंट वरी, आई विल क्लीन ऑफ इजली. बी, दैट्स वाजंट नाइस. सी, ओ प्लीज डोंट मेंशन इट. डी, आई विल बाय अ न्यू ड्रेस. करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डोंट वरी, आई विल क्लीन ऑफ इजली, चिंता ना करो, यह आसानी से साफ हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, आई विल ओपन दिस बॉटल ऑफ कोला. मैं कोला का बॉटल खोलूंगा. तो क्या होगा, सेल, यू पास मी द टिन ओपनर. बी, कैन यू पास मी द स्क्रू. सी, कुड यू पास मी द बॉटल ओपनर. एंड डी, ऑल ऑफ दिस. करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन सी, कुड यू पास मी बॉटल ओपनर. बॉटल ओपनर को प्लीज मुझे यहाँ पर दो. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कंप्लीट द गिवन डायलॉग्स. कुछ डायलॉग्स होते हैं जो पंचुएशन के साथ स्टार्ट होते हैं, तो उसमें किस तरह का पंचुएशन हमें लगाना है, यानी किस प्रकार के साइन हमें लगाने हैं. पहला है स्पोकन में कि हाय बॉब, आई हैव गॉट अ पार्सल फ्रॉम चाइना. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका,
करेक्ट आंसर हो जाएगा रियली, यानी कि सामने वाला आपको बता रहा है कि हाय बॉब, आई हैव गॉट ए पार्सल फ्रॉम चाइना, मैंने चाइना से पार्सल प्राप्त किया है। तो रियली ये क्या हो जाएगा, रियली। नेक्स्ट आंसर डैश, डज द मेट्रो ट्रेन गो टू द एयरपोर्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन मार्क, तो इसमें क्वेश्चन टाइप के होने चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सक्यूज मी डज द मेट्रो ट्रेन गो टू द एयरपोर्ट, बी पार्डन डज द मेट्रो ट्रेन गो टू, लिसन एंड डी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्सक्यूज मी, किसी को हम रोक कर पूछ सकते हैं कि एक्सक्यूज मी डज द मेट्रो ट्रेन गो टू द एयरपोर्ट, क्या यह मेट्रो ट्रेन एयरपोर्ट पर जाती है। नेक्स्ट हर्ष, हाय बेन, आई हैव ग्रेट न्यूज, आई एम प्लेइंग फॉर द इंडियन टीम्स, बेन मेरे पास एक बहुत ही ग्रेट न्यूज है, मैं इंडियन टीम में खेल रहा हूँ, इंडियन टीम के लिए खेल रहा हूँ। बेन क्या हो जाएगा, ग्रेट, वेरी बैड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, पुअर, यू वेल सेड। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाय बेन आई हैव अ ग्रेट न्यूज, तो हम क्या कहेंगे, ग्रेट कॉन्ग्रेचुलेशंस, यानी इंडियन टीम के लिए खेलना बहुत ही अच्छी बात है, गर्व की बात है, इसीलिए इसे हम बधाई देंगे। नेक्स्ट नाइन, टीचर व्हाई आर यू अब्सेंट यस्टरडे, तुम कल अब्सेंट क्यों थी, अब्सेंट क्यों थे। सी आई ब्रोक माय नोज, मैम मेरे नाक में चोट लगी थी, ब्रोक मतलब नाक जो है टूट गया था। टीचर इज योर मदर डॉक्टर, बी डज इट हर्ट, सी हुअर यू, व्हाट कैन आई डू यू। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, हुअर यू, हाउ डिड हिज हैपन। यह हो जाएगा हुअर यू, हाउ डिड दिस happen, मतलब ये बहुत बुरा हुआ, अब कैसे हो तुम अब कैसे हो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, कस्टमर हाउ मच फॉर डैट लॉन्ग ड्रेस, मतलब ये लॉन्ग ड्रेस कितने का है। शॉपकीपर 500 rupees, टेक इट, श्योर हैव यू आर, आई गिव यू मनी, नन ऑफ दिस। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ लाइन्स छूट गई है, चलिए इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ पहले। चलिए नेक्स्ट इस कन्वर्सेशन को पढ़ते हैं वापस से। कस्टमर हाउ मच फॉर लॉन्ग ड्रेस, यह लंबी ड्रेस कितने की है। शॉपकीपर 500 rupees, कस्टमर टेक इट, श्योर हेयर यू आर, सी आई गिव यू द मनी एंड डी नन ऑफ दिस। करेक्ट क्या होगा, श्योर हेयर यू आर, क्या हो जाएगा, श्योर हेयर यू आर, ये तुम्हारे लिए, इसे आप पैक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, चूज द ऑप्शन द करेक्ट पंचुएशन, ये कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसमें हमें पंचुएशन देखना है कि कौन से सेंटेंस में सही पंचुएशन है। नंबर 11, माय नेम इज आशीष, आई लिव इन इंडिया, मेरा नाम आशीष है और मैं इंडिया में रहता हूँ। तो यहाँ पे कहाँ पे कौन से पंचुएशन लग के इस सेंटेंस को कंप्लीट किया जाएगा, तो इसके करेक्ट आंसर हो जाते हैं ऑप्शन सी, माय नेम इज आशीष और आई लिव इन इंडिया, माई नेम इज आशीष के बाद कॉमा लगेगा और लास्ट में फुल स्टॉप, तो दिस इज करेक्ट पंचुएशन। नेक्स्ट इसी प्रकार देखेंगे दूसरा, मिस ब्राउन मे आई यूज द टेलीफोन, मिस ब्राउन क्या मैं इस टेलीफोन को यूज कर सकता हूँ। तो इसके जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, मिस ब्राउन कॉमा मे आई यूज द टेलीफोन क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे कॉमा हो जाएगा मिस ब्राउन के बाद और लास्ट में टेलीफोन के क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम पूछ रहे हैं, पूछने के लिए हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं।
Next 13, young and old, rich and poor, man and woman are all in the zoo. Young, old, rich and poor and woman, man and woman सभी कहाँ हैं? जू में हैं। तो इसमें हम किस प्रकार के पंचुएशन लगाएंगे, चलिए इसको हम देखते हैं। ये हो जाएगा यंग एंड ओल्ड मैन कॉमा हो जाएगा, रिच एंड पुअर कॉमा, मैन एंड वोमेन आर ऑल इन टू, ये फुल स्टॉप। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द डेट ऑफ एग्जाम इज मार्च 10, 2018। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, द डेट ऑफ द एग्जाम मार्च 10, 2018 फुल स्टॉप, ये करेक्ट पंक्चुएशन है। नेक्स्ट हो जाएगा 15, द फ्रूट सेलर एप्पल ऑरेंज मैंगोज ग्रैप एक्सेट्रा, फ्रूट सेलर जो है एप्पल मैंगो एंड ग्रैप्स सेल करता है, तो इसमें कहाँ पर पंक्चुएशन हो जाएंगे? तो ये हमारा पंक्चुएशन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, द फ्रूट सेल्स एप्पल्स ऑरेंज मैंगोज एंड ग्रैप्स एक्सेट्रा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बेस इन सभी के बीच में कॉमा यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मिस्टर वर्मा सन इज माई क्लोज फ्रेंड, मिस्टर वर्मा के सन जो है हमारे क्लोज फ्रेंड हैं, तो इसमें हो जाएगा यहाँ पर मिस्टर वर्मा सन इज माई क्लोज फ्रेंड, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, राशि रैन हॉपर स्केप एंड जंप ओवर द सैंड इट, राशि ने दौड़ते हुए हॉपर को छोड़ दिया और रेत के गड्ढे के ऊपर छलांग लगा ली, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, राशि रैन हॉपर स्केप एंड जंप ओवर द सैंड पिट, राशि रैन हॉप स्केप एंड जंप ओवर द सैंड पिट, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, राशि रैन हॉप स्किप एंड जंप ओवर द सैंड पिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में अब हम देखेंगे क्वेश्चंस नंबर, ये हमारे हो गए 17 और ये नंबर्स हो गए 18, ये हमें इस प्रकार क्वेश्चन देखना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन कंप्लीट द कन्वर्सेशन, ये हमारी बातचीत चल रही है जिसमें हमको कंप्लीट कन्वर्सेशन करना है। मोहन इज देयर ए शॉर्टकट, रवि मोहन क्या ये शॉर्टकट है? बट आई वॉन्ट टेल यू, बी वाई डू द डिस्कस, यस बट इट नॉट सेफ, एंड डी नो बट आई टेल इट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यस बट दैट्स नॉट सेफ, हाँ है लेकिन यह सेफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जय हु वॉन द मैच, जय मैच कौन जीता, खुशी ए एवरीवन, बी आस्क समबॉडी, सी नो वन, इट वाज ड्रॉ एंड डी समबॉडी प्ले, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नो वन इट वाज अ ड्रॉ, कोई भी मैच नहीं जीता है यह ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 तक हमने लिया है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन में पंचुएशन साइन को लेते हुए किस प्रकार के एमसीक्यू आते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं, और आप किस प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट में ये भी बताएं, और इनमें चार तरह के क्वेश्चंस हमने स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन से आपके लिए तैयार किए थे, चार ऑप्शन टाइप के क्वेश्चंस थे ए बी सी डी, इसमें से आप हमें बताएं कि किस तरह के ऑप्शंस आपको ईजिली सॉल्व हो गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, थैंक यू।